जो हम गलत तरीके से झपाट लगाते हैं वो देखिए इस प्रकार से होता है। हमने हमने क्या स्थिति बना ली, अब बनाने के बाद फिर दूसरी गलती हमारी क्या होती है, ऐसे रखते हैं। शरीर बनती है हमारे एक सही दिनचर्या से और सही नियम पालन से। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। जैसा कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से हम झपाट लगाएं और कितना अधिक लगाएं और कितना हमें लगाना चाहिए, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके शरीर में जितना सामर्थ्य है आप उस सामर्थ्य के अनुसार ही झपाट लगाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि साधारण झपाट कैसे हमें लगाना चाहिए, उसमें हम कौन सी गलतियां करते हैं। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि गलत तरीके से हम कैसे झपाट को लगाते हैं। जो हम गलत तरीके से झपाट लगाते हैं वो देखिए इस प्रकार से होता है। हमने क्या स्थिति बना ली, अब बनाने के बाद हल्का सा कमर ऐसे उठा रहेगा या ऐसे डाउन रहेगा, इसी में हम लोग झपाट लगाते बोलेंगे बहुत अच्छा झपाट लगा। ये हमारी गलतियाँ हैं। फिर दूसरी गलती हमारी क्या होती है, ऐसे रखते हैं हाथ को, कमर को वैसे ही पूरा गलत तरीके से, फिर ऐसे ऐसे मतलब कि सांप जैसे नहीं होता, बस सिर्फ आगे का जो पोर्शन है हमारे कमर के आगे का पोर्शन है वही उठता है। तो इस प्रकार से अगर हम सपाट लगा रहे हैं तो कभी भी हमारे शरीर में परिवर्तन नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं सही तरीका क्या है। सबसे पहले हमें जो अपने हाथ को, जो हमारी उंगली है, इन्हें क्या करना है, फैला लेना है, ठीक है ना, इन्हें हमें फैला लेना है। जैसे जो चिड़िया का जो पाँव नहीं होता, जैसे वो अपने लोग पंजे रखते, वैसे हमें एक पंजा रख लेना है। और ये जो उंगली है ऐसे करके हमें एक ग्रिप बनानी है और ये हमारे कंधे के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से रख लिए। उसके बाद शरीर को ये जो पाँव है आप सटा सकते हैं या फिर इसमें हल्का से गैप यानी कि 6 इंच या फिर 1 फीट का आप गैप दे सकते हैं। शरीर को आप रख लिए। ये पांव हमें वहाँ रखना है जैसे कि जब जो हमारे पंजे हैं और एड़ी हैं दोनों धरती पर सिटे होने चाहिए। इस प्रकार से हो गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपने शरीर को पूरी तरह से खींच लेना है। खींच लिए, ये हो गई हमारी स्थिति। अब इसमें हमें कहाँ जाना है, नीचे जाना है। आराम आराम से नीचे जाएंगे। फिर उसके बाद आराम आराम से ऊपर आएंगे, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में आ जाएंगे। ये रहा एक, फिर जाएंगे दो, तीन, जहां से हमें शुरू जहां हम शुरू किए हैं वहीं पर हमें आके छोड़ना है, चार, और इसमें जो आपके पांव हैं सब कुछ एकदम पूरे आपको टाइट करने हैं, अब इसमें आप जो है थोड़ी जल्दी जल्दी भी लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। तो ये रहे हमारे जो हमारे साधारण सपाट होते हैं उन्हें लगाने के सही तरीके। और हाँ, कोई भी सपाट हमें दो तरीके में लगाने चाहिए। पहला जो आपको एकदम धीरे धीरे करके दिखाएं, दूसरा थोड़ा उससे तेज़ी। तो इस प्रकार से जब हम कोई भी व्यायाम करेंगे, ये हर एक व्यायाम में आपको करना है, तब आपके जो शरीर का जो बाहरी जो भौतिक रूप से आपकी शरीर है उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा। साथ में आप लोगों को जो आप लोग बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, क्या हमारी डाइट प्लान होनी चाहिए, कैसे हमें भोजन करना चाहिए, तो देखिए जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे सुबह में आप भरपेट भोजन करें, रोटी खानी है तो रोटी आप अधिक से बढ़ा के खा लीजिए, दाल रोटी चावल सब्जी जो भी है आप खा लिए भोजन। दोपहर में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, फल फूल हो, केला हो, केला ले लीजिए आप, सेब ले लीजिए आप, दोपहर में कर लिए आप। शाम का जो भोजन है आपको वह सूर्यास्त से पहले करना है। अक्सर आप क्या करते होंगे, सूर्यास्त से बात करते होंगे, तो उसमें भी क्या करना है, रोटी या भुजिया जो भी आपके घर में उपलब्ध है उसी को कर लीजिए। आपको अधिक चीज़ें बाहर से ला के एक्स्ट्रा में कुछ खानी नहीं है। आपको लग रहा है कि बाहर से हम एक्स्ट्रा वाली चीज़ें प्रोटीन विटामिन खाएंगे, जो भी आज के मार्केट में अवेलेबल है उससे आपकी शरीर बन जाएगी, नहीं,
ये हमारी गलत फहमी है। शरीर बनती है हमारे एक सही दिनचर्या से और सही नियम पालन से। आप सही दिनचर्या करिए, सही नियम पालन करिए और जो भी आपके आसपास उपलब्ध है उसी को भरपेट खाइए, आपकी शरीर बन जाएगी। और जैसा कि हम लोग आटे की रोटी खाते हैं तो कभी कभार आप जौ की रोटी खाइए। तो इस प्रकार से आप जो है अपने भोजन में चीज़ों को आप सम्मिलित करिए और सात्विक भोजन करिए। सात्विक भोजन से ही हमारी शरीर मजबूत होती है, शरीर भी मजबूत होती है, मन भी मजबूत होता है और हमारे अध्यात्म भी बढ़ते हैं। और भी यदि आपके पास गौ माता जी का दूध उपलब्ध हो तो आप दूध का सेवन करें, अगर गौ माता जी का घी उपलब्ध हो तो घी का सेवन करें, मट्ठे का सेवन करें, दही का सेवन करें है तो आप सेवन करें। जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसका सेवन करें और वह पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।